वेलकम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स की वैल्यू को किस तरह से फाइंड किया जाए। देखिए, कमर्शियल यूज की हम बात करें तो कमर्शियल यूज पर यूज के केसेस में जैसे एम्पलीफायर हो, उसके बाद में ट्रायड वॉल्व हो या कोई अदर डिवाइस हो, इंडस्ट्रियल डिवाइस हो, तो ऐसे केसेस में सर्किट बनाते वक्त रजिस्टर्स बनाना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उन रजिस्टर्स को कार्बन कलर कोडिंग के माध्यम से बनाया जाता है। यह कमर्शियल एप्लीकेशन होता है जहां पर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में कार्बन के साथ सुटेबल सब्सटेंस को मिक्सअप करने पर, भाई कार्बन है मान लो, ठीक है, तो कार्बन के साथ सुटेबल सब्सटेंस को मिक्स किया और सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अलग अलग, जैसे कि ये आपके पास में मान लीजिए आप देख रहे हैं मार्कर है, तो मार्कर पे फोर लेयर की डिजाइनिंग की जाती है। ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, तो हम यही शुरू करने वाले हैं जिसे कार्बन कलर कोडिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए, कार्बन कलर कोडिंग में क्या किया जाता है इसे बताने के दो तरीके होते हैं, मैथड नंबर फर्स्ट एंड मैथड नंबर सेकेंड। मैथड नंबर फर्स्ट में क्या होता है, इसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में बनाया जाता है। देखो, सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर होगा और इस सिलेंडर टाइप के स्ट्रक्चर में फोर लेयर क्रिएट की जाती है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री और लेयर फोर। तो लेयर फर्स्ट, लेयर सेकंड, लेयर थर्ड और लेयर फोर्थ के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। तो लेयर फर्स्ट क्या करती है, तो लेयर फर्स्ट डिजिट के बारे में बताती है, लेयर सेकंड भी क्या बताती है, तो डिजिट के बारे में बताती है, लेयर थर्ड क्या करती है, तो थर्ड मल्टीप्लायर के बारे में जानकारी देती है, और लेयर फोर्थ जो देती है वो टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब कितना एरर, प्लस माइनस कितने परसेंटेज में एरर को माना जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देती है। और देखिए, ये जो कलर होते हैं इन कलर को एक छोटे से स्टेटमेंट से याद रखा जा सकता है, वो है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। वापस सुनिएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो ये कोड में देखो पहला क्या है, कलर है बी बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद में नो गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर, गोल्ड सिल्वर एंड देन नो कलर, ये फर्स्ट लेयर के लिए कलर की बात हमने कर ली। अब जब कलर आ गया तो कलर का फुल फॉर्म समझिए, बी से पहला कलर है ब्लैक कलर, दूसरा है ब्राउन, तीसरा हम बात करते हैं रेड के बारे में, फोर्थ है ऑरेंज, देन ये है येलो, येलो के बाद आता है ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू वॉयलेट, ये आपके पास है ग्रे, ग्रे के बाद है व्हाइट, व्हाइट के बाद गोल्ड सिल्वर एंड देन नो कलर। तो देखिए, फर्स्ट डिजिट के लिए क्या आता है, फर्स्ट डिजिट के लिए फर्स्ट कलर मतलब फर्स्ट डिजिट, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके बच्चों। आगे देखिए, सेकंड भी आता है डिजिट के लिए, तो सेकंड डिजिट के लिए भी आप लिख सकते हैं फॉर सेकंड डिजिट। वापस से देखिए, ब्लैक होगा तो जीरो लिखेंगे, ब्राउन फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। थर्ड डिजिट जो आता है वो मल्टीप्लायर के लिए आता है, सेकंड डिजिट वापस आइए, थर्ड डिजिट किसके लिए होता है, तो थर्ड डिजिट मल्टीप्लायर के लिए होता है। तो मल्टीप्लायर में क्या होता है, पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हम 10 की पावर के फॉर्म में। तो देखिए, 10 की पावर 0, 10 की पावर प्लस 1, 10 की पावर प्लस 2, 10 की पावर प्लस 3, 10 की पावर प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7, प्लस 8 और 10 की पावर प्लस 9, ठीक है ना। नाउ टॉलरेंस की बात करें, गोल्ड की बात करें तो 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2। अब टॉलरेंस की बात करें तो गोल्ड के लिए होता है प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए होता है प्लस माइनस 10%, और कोई कलर ना हो
तो टॉलरेंस की वैल्यू प्लस माइनस 20% होती है। पापा चेक कर लीजिएगा हमने क्या किया। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, जिसने कैसा ऑर्नामेंट पहना है, पहले गोल्ड का ऑर्नामेंट, फिर सिल्वर का ऑर्नामेंट, फिर कलरलेस ऑर्नामेंट। तो बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। यहां नोटिस करना, ब्लैक ब्राउन सिमिलर टाइप के कलर है, पास पास है, और वी आई बी जी वाई ओ आर, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है ना। तो यहां इंडिगो नहीं है, बी जी वाई ओ आर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्राउन यहां पे सेंटर वाला है, ग्रीन सेंटर वाला ग्रीन है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये ग्रे और ये व्हाइट अवेलेबल है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से आगे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। देखिए थ्योरी को समझने के बाद आप और हम अब प्रॉब्लम को समझेंगे कि आखिर किस तरह से कार्बन कलर कोड से रेजिस्टेंस को निकाला जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, रेड 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 और सिल्वर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। तो मैंने पहला बताया कि पहला और दूसरा डिजिट के बारे में जानकारी देते हैं। तो देखो रेड रेड और हर जगह रेड, तो देखो रेड कहां पर आ रहा है चेक करो, तो रेड आ रहा है टू पर, तो पहले वाले की डिजिट जो आई टू आई, सेकंड में डिजिट के बारे में जानकारी देता है देखो रेड, तो वापस से टू इन टू, थर्ड देता है मैं मल्टीप्लायर के बारे में जानकारी, मल्टीप्लायर, तो रेड पर देखो कितना आएगा, ये आएगा 10^2, फिर प्लस माइनस सिल्वर, तो देखो गोल्ड सिल्वर प्लस माइनस 10% लिखा जा सकता है इसे, तो इसे लिख सकते हैं आप 2.2 × 10^3 प्लस माइनस 10 ओम, 10% नॉट ओम, प्लस माइनस 10%, तो ये आ जाता 2.2 kΩ प्लस माइनस 10%। तो 2.2 kΩ आता है जिसे हम कह सकते हैं प्लस माइनस 10% के फॉर्म में हम इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए वापस से सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन समझने के बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है येलो, वॉयलेट, ब्राउन एंड गोल्ड। येलो चेक करो कौन सा है, तो येलो फर्स्ट है डिजिट के लिए, फर्स्ट किसके लिए, डिजिट के लिए। अच्छा देखो सेकंड नंबर कौन सा है, वॉयलेट पर है, तो वॉयलेट चेक करेंगे, वॉयलेट यहां पर कौन सा है, तो 7 पर है। नाउ थर्ड नंबर देखो ब्राउन है, ब्राउन, तो हम ब्राउन की बात जब करें तो ब्राउन आपके पास आ गया 10^+1, 10^+1, और प्लस माइनस लास्ट में गोल्ड है, तो गोल्ड का मतलब 5% आपके पास आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं 47 × 10^1 ओम प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट ग्रीन है, तो ग्रीन चेक करें, ग्रीन कितना है, तो ग्रीन है 5। सेकंड चेक करें वॉयलेट है, तो सेकंड नंबर वॉयलेट पर है, इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई में 10, और रेड, तो रेड पर चेक करो 10^2, और प्लस माइनस नो कलर, लास्ट में जब नो कलर होता है तो प्लस माइनस 20% टॉलरेंस होता है, तो टॉलरेंस की वैल्यू 20% बताई जा सकती है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन होने के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, येलो, ग्रीन, ऑरेंज एंड सिल्वर। तो येलो पे चेक करो येलो कहां पर है, तो येलो है 4। ग्रीन चेक करो ग्रीन क्या है, तो ग्रीन हमारे पास में आता है 5। थर्ड है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में देखो क्या आता है, तो मल्टीप्लायर में ऑरेंज आता है, तो ऑरेंज आएगा तो 10^3 होगा, प्लस माइनस लास्ट में देखो सिल्वर है, तो गोल्ड सिल्वर प्लस माइनस पे आता है 10% आपके पास में, तो हम कह सकते हैं 45 × 10^3 प्लस माइनस 10%। तो हमने चारों क्वेश्चन के तरीके माध्यम से सीखा कि किस तरह से आंसर्स निकाले जाते हैं। आगे चल के अब हम सेम टॉपिक पर नीट में एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया 2018 में, और JEE मेंस में भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया गया कार्बन कलर कोडिंग पर। आइए अब हम शुरुआत करते हैं उन तीनों क्वेश्चन को समझते। देखिए नीट 2018 का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास में कोई कार्बन रजिस्टर है जिसका डिजिट दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है कि कौन से कलर उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पर होंगे, मतलब पहला डिजिट कैसा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा और चौथा कौन सा होगा। देखिए 47 प्लस माइनस 4.7 kΩ, देखिए यहां पर क्या कहा गया है, 47 प्लस माइनस 4.7 kΩ, 47 कॉमन निकाला तो बचा 1 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अब किलो ओम यहां पर चल रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं 47 × 10^3 प्लस माइनस 0.1,
और 0.1 को क्या लिखा जा सकता है, तो 10^3 प्लस माइनस 10%। देखो 10% कैसे, 10/100 तो ये आ जाता है 1/10, और 1/10 को 0.1% लिख सकते हैं आप। अब बात कैसी पता है, बात ऐसी है जब हम किलो की बात कर रहे हैं तो ये किलो, कई बार ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई है, नहीं ये ओम की बात कर रहे हैं, किलो ओम की बात कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। और ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट एरर के बारे में जानकारी दे रहा होता है। तो यहां पर आपको 10^3 मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये तो मिस्टेक हो जाएगी। आपको किलो ओम बोला है मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू में 10^3 का मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, इस तरह से आपको क्या मिल गया है, आपको मिल गया 4/7 10^3 प्लस माइनस 10%। तो देखो फोर्थ नंबर पे क्या आता है, चेक करो, तो फोर नंबर पे आता है येलो, तो पहला आया येलो। सेवन पे क्या आता है, तो सेवन पे चेक करो वॉयलेट, दूसरे नंबर पर आता है वॉयलेट, और 10^3 चेक करो 10^3 तो वो आता है ऑरेंज, और प्लस माइनस 10% चेक करो, प्लस माइनस 10% कितना आता है, तो प्लस माइनस 10% आता है आपके पास गोल्ड सिल्वर, तो सिल्वर आता है आपके पास में। तो कलर की सीक्वेंस जो रहने वाली है वो ये सीक्वेंस रहने वाली है। देखिए JEE मेंस 2019 में सेम टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बोला है 200 ओम रजिस्टर हैज अ सर्टेन कलर कोड, इफ वन रिप्लेस द रेड कलर बाय द ग्रीन इन द कोड द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। देखो पहले तो रेजिस्टेंस 200 ओम है, तो पहले दो डिजिट और तीसरा मल्टीप्लायर होता है, और लास्ट में नो कलर वाला कंडीशन डेवलप हो रहा है। तो पहले टू डिजिट, तो देखो टू नंबर पे क्या आ रहा है, तो टू नंबर पे रेड आ रहा है, चेक करो जीरो पे क्या आ रहा है, तो जीरो पे ब्लैक आ रहा है, और ये भी चेक करो 10^1 का मतलब क्या है, तो 10^1 का मतलब ब्राउन है। अब उन्होंने क्या कहा है, रजिस्टर हैज द सर्टेन कलर कोड इफ वन रिप्लेस द रेड कलर बाय ग्रीन कलर, तो यहां रेड के प्लेस में मैं अगर ग्रीन कर देता हूं ये आपके पास ब्लैक हो जाता है और ये आपके पास ब्राउन हो जाता है। तो ग्रीन का मतलब क्या होगा, ग्रीन मतलब 5 बराबर, और ब्लैक का मीनिंग क्या है, तो ब्लैक चेक कर लो बेटा, ब्लैक होगा आपके पास में 0, और लास्ट में ब्राउन मतलब थर्ड वाला ब्राउन है, तो ब्राउन वापस से चेक करो, ब्राउन कितना आता है, 10^1 आता है, 10^1 ओम। तो 500 ओम इसका आंसर होगा लेटेस्ट का। तो देखो 500 ओम विल बी द आंसर, जो कि JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन। वेलकम स्टूडेंट, देखिए JEE 2019 जनवरी की शिफ्ट नंबर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन एक बार फिर। यहां बोला कार्बन रेजिस्टेंस हैज फॉलोइंग कलर कोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आपको पहला कलर गिवन है ग्रीन, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है येलो, और लास्ट में गोल्डन। देखो एक बात, पहले दो जो ग्रीन और ऑरेंज है ये आपको डिजिट के बारे में जानकारी देंगे, येलो जो है ये थर्ड मल्टीप्लायर के बारे में जानकारी देगा, और गोल्डन जो है वो गोल्डन कलर आपको जानकारी देगा सीधा सीधा टॉलरेंस के बारे में। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सीखते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, पहला ग्रीन, दूसरा ऑरेंज, तीसरा येलो, और लास्ट में गोल्डन। तो ग्रीन में ढूंढिए, पहला डिजिट है 5, तो ये आता है आपके पास में 5। अच्छा ओ मतलब ऑरेंज चेक कीजिए, ऑरेंज पे आता है 3, तो ये आ जाता है 3 इंटू येलो पे चेक कीजिए, येलो तो येलो पे आता है 10^+4, तो 10^+4, और गोल्डन पे चेक कीजिएगा, गोल्डन पर क्या आता है, तो गोल्ड पे 5% टॉलरेंस आता है, 5% टॉलरेंस, तो ये आएगा 530 × 10^3 ± 5%। तो आप इसे लिख सकते हैं 530 kΩ ± 5% टॉलरेंस। तो हमारा आंसर होता है 530 kΩ ± 5% या 5.3 × 10^6 ± 5%। तो इसे 5.3 MΩ ± 5% पे लिखा जा सकता है। तो चार में से एक ऑप्शन हमें मिलता है 5.3 MΩ ± 5%। देखिए यहां पर क्या कहा गया स्टूडेंट, 2019 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, इट्स वैल्यू एंड टॉलरेंस आर द गिवन बाय रेस्पेक्टिवली। देखो पहली लेयर है रेड, दूसरी है वॉयलेट, तीसरी है ऑरेंज, चौथी है सिल्वर। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। देखिए फर्स्ट टू लेयर क्या बताती है, तो फर्स्ट टू लेयर बताती है डिजिट के बारे में, थर्ड लेयर बताती है आपको मल्टीप्लायर के बारे में, और लास्ट लेयर जो बताती है आपको बताती है टॉलरेंस के बारे में। आइए पहली दो लेयर देखिए, रेड, रेड नंबर, रेड पर चेक कीजिएगा कौन सा कलर आता है आपके पास में, रेड पर 2 नंबर आता है,
अच्छा वापस चेक कीजिए वॉयलेट, तो वॉयलेट पर क्या आता है, तो 7 आता है इनटू मल्टीप्लायर, चेक कीजिए मल्टीप्लायर 10 टू द पावर मल्टीप्लायर में ऑरेंज, तो ऑरेंज का चेक कीजिएगा ऑरेंज आता है 10 टू द पावर प्लस 3। नाउ प्लस माइनस सिल्वर के बारे में चेक कीजिए, प्लस माइनस 5%। अब देखिए इसे आप लिख सकते हैं 27 किलो ओम प्लस माइनस 5%, तो ये आंसर आता है 27 किलो ओम प्लस माइनस 5%। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव।